नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। नकली मार्का लगाकर चाय पत्ती बेचने वाली फर्म पर छापा। विभिन्न ब्रांडेड कंपनी के लेबल लगाकर बाजार में बेची जा रही थी चाय पत्ती। चंडीगढ़ से आए कंपनी अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने की रेड। भारी मात्रा में खुली चाय की बोरियां वे ब्रांडेड नामी गिरामी कंपनियों के पैकिंग की जब्त। शहर में कई जगह की जा रही है छापेमारी। चाय पत्ती की ब्रांडेड कंपनियों के नकली मार्का लगाकर चाय पत्ती बेचने वाली एक फर्म का भंडाफोड़ किया गया है। फर्म की दुकान व बेसमेंट में बने गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में चाय पत्ती का स्टॉक बरामद किया गया। चंडीगढ़ से ब्रांडेड कंपनी के निदेशक की शिकायत पर पुलिस ने रेड की। छापेमारी के दौरान दुकान व गोदाम से भारी मात्रा में नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनियों के लेबल बरामद किए गए। इसके साथ साथ भारी मात्रा में खुली चाय पत्ती का भारी स्टॉक बरामद किया गया, जिन्हें नकली मार्का लगाकर बेचा जाता था। देखिए पल पल की खास रिपोर्ट। रमेश दत्त चंडीगढ़ एसपी साहब के शिकायत मिलने पर दर्शन लाल की दुकान पर रेड की गई, जो खोपली के प्रिया गोल्ड की नकली ये पैकिंग मिली है। जी आगे जो रमेश दत्त लिखे थे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं रमेश दत्त, डायरेक्टर स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारी कंपनी है प्रिया गोल्ड टी कंपनी, इसके जो ब्रांड है उसके नाम से और प्रिया गोल्ड के नाम से कुछ लोग जो है डुप्लीकेट चाय पत्ती बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं, जिसके संबंध में माने एसपी साहब से हम लोग मिले थे। रिटर्न कंप्लेंट दी थी हम लोगों ने, आज पुलिस पार्टी को साथ लेके हम लोगों ने रेड्स की है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे जो है कारखाने पकड़े हैं, डुप्लीकेट चाय पत्ती प्रिया गोल्ड टी, टाटा टी वगैरह वगैरह काफ़ी नामी ब्रांडों से बनाते हैं। तो सर कितना माल होगा? कितना? ये लगभग 50 लाख रुपये के आसपास का माल जो है अभी इनके पास, और भी बहुत माल पड़ा ग्राउंड में। तो आगे सर कैसे होगा? अभी कार्रवाई करेंगे पुलिस, हमने इनको अरेस्ट करवा दिया, पुलिस को दे दिया, सपोर्ट कर दिया और माल भी हम सपोर्ट करवाने जा रहे हैं।